हेलो स्टूडेंट्स इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न सेवन स्टैंडर्ड साइंस लेसन नंबर सेवन दैट इज मोशन फोर्स एंड वर्क सो लेट स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जो आपके जितने क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं वही सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं वही सारे वर्ड्स हमें यहाँ पे फिलअप करना है सो इफ अ बॉडी ट्रेवर्सेज अ डिस्टेंस इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द टाइम द स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ कॉन्स्टेंट इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज इट्स एक्सीलरेशन इज़ ज़ीरो पे क्या आएगा ज़ीरो स्पीड यहाँ पे आएगा स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे आएगा वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम अब यहाँ पे ये देखो ये क्वेश्चन दिया गया है आपका अब इसका आंसर हमें देखना है ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस सचिन एंड सनी स्टार्टेड ऑन अ मोटर बाइक फ्रॉम प्लेस ए टु द ये याद रखना कि जो हमने देखा था आपके इस क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है तो आपने देखा होगा वही क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया हुआ है ठीक है ये हमने देखा हुआ एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने अच्छे से तो वही यहाँ पे भी दिया हुआ है सचिन एंड सन स्टार्टेड ऑन अ मोटर बाइक फ्रॉम प्लेस ए टू द टर्न एट थर्टीन डी द टास्क एट सी ट्रेवल बाई द रूट सी डी टू डी And then went to, went on to E. Altogether, they took 1 hour for this journey. Find out the actual distance traversed by them and the displacement from A to E from this, deduce their speed. What was their velocity from A to E in the direction AE? Can this velocity be called average velocity? तो यहाँ पर देखो एक्चुअल डिस्टेंस इसका क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई यानी कि थ्री फोर फाइव थ्री तो यहाँ पे देखो ए बी बी सी सी डी तो यहाँ पे आप देखो ए बी यहाँ पे थ्री किलोमीटर बी सी तो यहाँ पे थ्री किलोमीटर फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं अगर बी डी तो यहाँ पे फिर थ्री किलोमीटर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये यह बी से सी जाने में फ़ोर किलोमीटर है और फिर सी से डी आने में ये फाइव किलोमीटर है तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देखी ठीक है तो एक्चुअल डिस्टेंस 50 किलोमीटर यानि कि वो जब ए यहाँ पे देखिए जैसे हमने देखा कि जब ए बी प्लस बी सी वो ए बी से बी सी तक जाता है ओके फिर सी डी से वो 5 किलोमीटर फिर यहाँ पे आता है फिर यहाँ से फिर डी ई e तक जाता है तो ये पूरा मिला के अगर हम देखें तो ये थ्री और फिर ये फोर फिर ये जब ऐसे आया आए, तो ये फाइ ओके और फिर डी से ई गया फिर से थ्री तो यहाँ पे ऐसे हम देखा तो एक्चुअल डिस्टेंस ये पूरा करके कितना हुआ एक्चुअल डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये कितना होगा ये पूरा ऐड करिए ये पूरा कितना होगा फिफ्टीन होगा ठीक है फोर थ्री सेवन है ना सेवन थ्री टेन और टेन फाइव फिफ्टीन तो ये फ़िफ्टीन किलोमीटर हुआ डिसप्लेसमेंट कितना है ए बी प्लस बी डी ओके और प्लस डी ई e. इतना है ये डिसप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है जो सीधे सीधे जाएँ और डिस्टेंस क्या है जो हम यहाँ से ऐसे ऐसे कोई भी रास्ता लेके जाए वो डिस्टेंस होगा डिसप्लेसमेंट मतलब क्या जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डायरेक्ट जाए सीधे जाए ये हमने पढ़ा था यानी कि कितना होगा तो अगर हम ऐसे देखें डिस्प्लेसमेंट तो थ्री 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 तो ऐसे होगा ना ए पॉइंट से ई पॉइंट तक जाने में अगर हम सीधा डिस्प्लेसमेंट के थ्रू जाएं तो सिर्फ इतना ही होगा थ्री थ्री सिक्स थ्री नाइन किलोमीटर होगा लेकिन अब ये घूम घाम के ऐसे गया थ्री किलोमीटर ए से बी आया फिर अब यहीं ई जाने के लिए इसने क्या रास्ता अपनाया ए से बी गया फिर अपने दोस्तों के साथ में इधर गया बी से सी में गया फिर सी से फिर डी दूसरे दोस्त के साथ में आया और फिर डी से ई e यहाँ तक आया अभी लास्ट में पहुँचा वो ई e के पास ऐसा सीधा जाता तो वो सिर्फ नाइन किलोमीटर उसको चलना पड़ता लेकिन जब यहाँ पे वो ऐसे चल रहा है पहले थ्री किलोमीटर गया फिर ऊपर में फ़ोर किलोमीटर गया फिर आया इधर डी तक फाइव किलोमीटर फिर जाके वो ई e पे गया थ्री किलोमीटर और चला तो यहाँ पे हमने देखा 15 किलोमीटर हो गया जबकि डिस्प्लेसमेंट अगर वो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आता यह मान लो यहाँ से यहाँ उसका स्कूल है यही तो एग्ज़ाम्पल देखा था हमने ये उसका घर है और इसका वो स्कूल है सीधा सीधा जाना है तो सिर्फ नाइन किलोमीटर और ऐसे आने टेढ़े रास्ता लेके जाएगा तो उसको फिफ्टीन किलोमीटर पड़ रहे तो अब ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है नाइन किलोमीटर हो रहा है और जबकि उसने जो डिस्टेंस दिया एक्चुअल डिस्टेंस जितना वो गया वो फिफ्टीन किलोमीटर हुआ सो स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल टोटल टाइम डिस्टेंस कितना था उसका फ़िफ्टीन किलोमीटर सो फिफ्टीन किलोमीटर में यहाँ पे थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा फिफ्टीन थाउजेंड मीटर टाइम कितना है एक घंटे का है ना सो वन वन आवर में इतना सिक्सटी का उसने सिक्सटी सेकेंड से मतलब उसने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से पूरा उसका आता है इतना फिफ्टीन थाउजेंड मीटर वो चलता है और कितना थर्टी सिक्स हंड्रेड एंड सेकेंड में ओके तो टोटल टाइम उसका कितना हो रहा है फ़िफ्टीन किलोमीटर एक घंटे में हो यानी कि फ़िफ्टीन किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है ओके सो यहाँ पे हम देख रहे हैं फोर पॉइंट सिक्सटी मीटर पर सेकेंड और फिफ्टीन किलोमीटर पर आवर इस तरीके से आ रहा है हमारा जबकि यहाँ पे हम वेलोसिटी अगर देखें सो डिस्टेंस ट्रेवल टोटल टाइम डिस्टेंस जो यहाँ पे वो ए से सीधा सीधा ई पे गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था नाइन किलोमीटर में देखा था थ्री थ्री ए बी सी डी जो हमने देखा था तो वो कितना था नाइन किलोमीटर था और यहाँ पे नाइन को यहाँ पे मीटर मीटर का क्या है थाउजेंड है तो थाउजेंड से उसने मल्टीप्लाई किया तो कितना चला वो नाइन थाउजेंड मीटर चला और फिर यहाँ पे देखो टाइम कितना है एक घंटे तो वन इंटू सिक्सटी तो थ्री यहाँ पे थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं वो कितना चल के जा रहा है यहाँ पे नाइन किलोमीटर पर आवर चल के जा रहा है वो ठीक है तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड और नाइन किलोमीटर पर आवर तो यहाँ पर क्या है येस दिस वेलोसिटी कैन बी कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी ओके फ्रॉम द ग्रुप्स बी एंड सी चूज द प्रॉपर वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स तो यहाँ पे देखो वर्क न्यूटन फोर्स मीटर तो यहाँ पे जो राइट है वो हमें करना है तो वर्क के लिए हम क्या उन यू, यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है तीन दिया हुआ है ना तो यहाँ पे देखो वर्क के लिए हम क्या देते हैं जूल एंड एआरजी एंड फोर्स के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं फोर्स के लिए न्यूटन एंड डाइन एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं मीटर एंड सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना दूरी पे है तो मीटर सेंटीमीटर में ही बताते हैं ठीक है अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है अबर्ट सिटिंग ऑन अ वायर फ्लाइज circles around and comes back to its perch explain the total distance it travels during its flight and its eventual displacement the total displacement the bird has traversed is the length of the distance covered by circling but the eventual displacement are the bird is 0 as its initial and final position are 1 and the same okay? जैसे यहाँ पे क्या बोला गया एक बर्ड बैठा है एक वायर पे ठीक है एक बर्ड है वो उड़ती है और सर्कल आपका एक सर्कल मतलब वो उड़ती है सर्कल सर्कल अराउंड सेंड कम बैक सर्कल के चारों तरफ उड़ती है और वापस जाके बैठ जाती है पर्च पे ठीक है एक्सप्लेन द टोटल डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ उसके उड़ने में और मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका ये बताना है तो टोटल डिस्टेंस बर्ड का कितना होगा जितना उसने ट्रेवल किया लेंथ का जितना उसने सर्कलिंग का जितना उसने सर्कलिंग का जो भी सर्कल था उसने जितना उससे कवर किया उतना ही बट द इवेंचुअल डिस्प्लेसमेंट आर द बर्ड इज ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट तो उसका जीरो हुआ ना एज इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर वन एंड उसने क्या किया वहाँ पे वो वायर पे बैठी थी वो जाती है सर्कल पे मतलब वो चक्कर काट के आती है लेकिन वो वापस से आके फिर वहीं वायर पे बैठ जाती है डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या नहीं मैंने आपको पहले ही लेसन में बताया था कि अगर कोई चीज़ आपने यहाँ से उठा के यहाँ रखी तो डिस्प्लेसमेंट हुआ लेकिन आपने वो चीज़ वहाँ उठा के रखी बाद में घुमा के आपने फिर यहाँ से वहाँ से ला के फिर वहीं रख दी तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ साइंस ये कहता है कि ये जब एक जगह से दूसरी जगह सामान गया ही नहीं तो डिसप्लेसमेंट कैसा यानी कि कोई चीज़ आपने उठा के यहाँ पे रखी तो डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ से उठा के आपने यहाँ पे भी रखा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ लेकिन जब वो चीज़ बाद में उठा के आपने फिर से वहीं रख दी तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ठीक है एक लड़का है जो साइकिल चला के यहाँ से चक्कर काटते हुए यहाँ पहुँच गया तो ये क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट हुआ लेकिन वो लड़का फिर से वापस से वहीं पर गया तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ हम तब तक डिसप्लेसमेंट मानते हैं जब तक कोई चीज़ यहाँ से वहाँ तक डन रहे ठीक है तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ उस बर्ड का क्योंकि वो वापस से आके वहीं पे बैठ गई एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन योर ओन वर्ड्स विद एवरी डे एग्जाम्पल्स फोर्स वर्क डिस्प्लेसमेंट वेलासिटी एक्सिलरेशन डिस्टेंस फोर्स देखिए द इंटरेक्शन दैट ब्रिंग्स अबाउट द एक्सिलेशन इज कॉल्ड फोर्स फॉर एग्जाम्पल एन ऑक्स इज पुलिंग अ कार्ट अप्लाइंग ब्रेक्स टू अ बाईसाइकल लिफ्टिंग हैवी आयर्न ऑब्जेक्ट विद अ क्रेन तो ये सब क्या है फोर्स लगा रहे हैं हम तब तो हो रहा है फोर्स बिना कैसे होगा वर्क क्या है वेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट वर्क इज सेट टू बी डन काम वर्क क्या है वर्क का मतलब क्या है जब किसी चीज़ को हम डिस्प्लेस करते हैं फोर्स लगा के तब हम कहते हैं कि ये काम हुआ है वो होता है वर्क मतलब पूरा जोर लगा के कोई काम कर दिया डिस्प्लेसमेंट भी हो गया एक जगह से दूसरी जगह आ गई अब शाम तक आप इसी पे पूरा जोर लगाते रहो इस ब्लॉक पे एक ब्लॉक है और शाम तक इस पर जोर लगाते रहे और यहाँ से यहाँ तक खिसका नहीं सके तो जो मालिक है वो पैसा क्या देगा जब ये यह सामान यहाँ से यहाँ तक आया नहीं डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं तो पैसा काम हुआ कहाँ तो यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कोई चीज़ डिस्प्लेस की गई एक जगह से दूसरी जगह फोर्स लगा के मेहनत लगा के तो समझो कि वर्क हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल अ बकेट फुल ऑफ वाटर इज़ टू बी ड्रॉन फ्रॉम अ वेल एंड टेकन टू द होम बाय वॉकिंग फ्रॉम वेल टू होम ये समझो वर्क डन हुआ है कुएं से पानी निकाला घर तक पहुंचाया तो वर्क डन हुआ है फोर्स भी लगाया और वहां से लेके आए भी डिस्प्लेसमेंट भी हुआ तो काम हुआ है एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय अ मूविंग बॉडी इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट टू रीच द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिसप्लेसमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई चीज़ पहुँच जाती है तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जाम्पल अ रोलिंग ऑफ अ बॉल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द सेम डायरेक्शन दैट इज़ समझो क्या है डिसमेंट वालासिटी क्या है विलासिटी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन यूनिट टाइम ठीक है स्पीड कह सकते हैं जो एक यूनिट टाइम एक uh, में वो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो गया द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला ये है उसका फार्मूला हमने पढ़ा है ठीक है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ठीक है जो जितना टाइम लगा डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सेलरेशन क्या है It is change in velocity per second. It can be deduced, and this is acceleration. In the previous example, the truck covered the distance AB at the velocity at sixty km per hour, BC at thirty kilometer hour, and CD at forty kilometer hour. It means that the velocity of the distance CD is greater than the velocity for the distance BC. From the number of second required for the change in velocity to take place. द चेंज इन वेलासिटी पर सेकेंड कैन बी डिड्यूस दिस इज कॉल्ड एक्सिलरेशन डिस्टेंस क्या है द लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रेवर्स बाय अ मूविंग बॉडी इ रेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पर मिक्स हो गया है आपको नीचे लख लिखना है डिस्टेंस नंबर डाल के ठीक है ये हमने पूरा सिर्फ अभी तक एक्सेलरेशन का पढ़ा था रंजीत ट्रेवल्ड वन किलोमीटर फ्रॉम हिज होम टू स्कूल तो रंजीत ने ट्रेवल किया एक किलोमीटर फ्रॉम होम घर से अपने स्कूल तक अबॉल इज़ रोलिंग फ्राम ए टू डी ऑन अ फ्लैट अच्छा इसका एग्जाम्पल था ये ठीक है ये याद रखना डिस्टेंस का डिस्टेंस का ये एग्ज़ाम्पल है उसने ट्रेवल किया एक किलोमीटर घर से स्कूल तक अब यहाँ पे देखो एक दिया हुआ है अबॉल इज रोलिंग फ्रॉम ए टू डी ए से डी तक ऑन अ फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस इट्स स्पीड इज़ टू सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑन रीचिंग बी ऑन रीचिंग बी इट वॉज पुस्ड कंटिन्यूसली अप टू सी ऑन रीचिंग डी फ्रॉम सी इट्स स्पीड हैड बिकम फोर सेंटीमीटर्स फोर सेंटीमीटर पर सेकेंड इट टू टू सेकेंड फॉर इट टू गो फ्राम बी टू सी वॉट इज़ द एक्सलरेशन ऑफ द बॉल एज़ इट गोज़ फ्राम बी टू सी तो यहाँ पे बोला गया है कि अलग अलग टाइम यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है देख लो आप एज इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर वन एंड द सेम इनिशियल वेलोसिटी टू सेंटीमीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी आप यहाँ पर देखो यहाँ पे टाइम टेकन फॉर द चेंज इन वेलोसिटी फ्राम बी टू तो डी बी टू डी फिर इज इक्वल टू सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस टू सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू टू सेंटीमीटर पर सेकेंड ये आएगा आंसर इसका ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या पूछा है क्वेश्चन पूछा है इसका स्पीड है टू सेंटीमीटर ऑन रीचिंग बी ए से लेके यहाँ तक टू सेंटीमीटर ओके अब टू सी देखो अब ऑन रीचिंग ए से डी फ्लैट है स्मूथ जा रहा है ठीक है फिर इट्स स्पीड इज़ टू सेंटी टू सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑन रीचिंग बी इट वॉज पोस्ड कंटिन्यूसली अप टू सी ऑन रीचिंग डी ए कंटिन्यूसली जा रहा है ठीक है टू सेंटीमीटर यहाँ पे भी डी फ्रॉम सी तो यहाँ पे देखो सी से डी तक जाने में कितना सी ऑन रीचिंग डी फ्रॉम सी इट्स स्पीड है बिकम फोर सेंटीमीटर यहाँ पे फोर सेंटीमीटर हुआ डी तक जाने में इट टुक टू सेकेंड फॉर इट टू गो टू फ्रॉम बी टू सी बी से सी जाने में कितना लिया था टू सेकेंड वॉट इज़ द एक्सेलेशन ऑफ द बॉल एक्सेलेशन क्या है बॉल का ठीक है तो यहाँ पर देखो एक्सीलेशन का क्या है चेंज इन वेलासिटी वेलासिटी में जो स्पीड चेंज uh, हो रही है टाइम टेकन फॉर चेंज और जो टाइम यहाँ पर हमने देखा था कि टू सेकेंड लिया था ठीक है तो यहाँ पे देखो इट्स स्पीड हैड बिकम फोर सेंटीमीटर पर सेकेंड इट टुक्स टू सेकेंड फॉर इट टू गो फ्रॉम बी टू सी बी से सी जाने में टू सेकेंड लिया था यहाँ पे टाइम चेंज हुआ था तो हम हर जगह पे हमने देखा था कि दो सेंटीमीटर पर सेकेंड ले रहा था पर सेकेंड दो सेंटीमीटर में एक सेकेंड में दो सेंटीमीटर जा रहा था लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा दो सेकेंड लगा यहाँ पे ठीक है दो सेकेंड लगा तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको आंसर देना है इसका देखो यहाँ पे क्या है एक्सीलरेशन क्या निकालना है चेंज इन वेलोसिटी तो टू सेंटीमीटर पर सेकेंड फिर अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज जो दो सेकेंड लगा इक्वल टू यहाँ पे हमने क्या किया ये टू से टू कैंसल फिर आएगा टू वन जट टू है ना टू वन टू तो वही वन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम दिया गया है अ फोर्स ऑफ वन थाउजेंड न्यूटन वॉज अप्लाईड टू स्टॉप अ कार दैट वॉज मूविंग विद द कॉन्सटेंट वेलासिटी कॉन्सटेंट वेलासिटी मतलब कि वन थाउजेंड न्यूटन लगाया ये फोर्स लगाया वन थाउजेंड न्यूटन ये एक यूनिट है फोर्स के लिए द कार स्टॉप आफ्टर मूविंग थ्रू टेन मी टेन मीटर तो यहाँ पे कार स्टॉप होती है दस मीटर पे हाउ मच इज़ द वर्क डन कितना वर्क डन किया फ़ोर्स लगाया कितना वन थाउजेंड न्यूटन डिसप्लेसमेंट कितना हुआ टेन मीटर तक वर्क डन तो कितना हुआ वर्क डन पूछ रहा है यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ सो so, डब्ल्यू होता है वर्क डन का है ना तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे वर्क फोर्स जो है तो कितना हुआ वन थाउजेंड जो ये है इन टू टेन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया वर्क इज़ इक्वल टू टेन थाउजेंड झूल इतना आएगा वर्क वर्क का क्या होता है यूनिट जूल होता है तो ये जो आपका है ठीक है जो आपका यहाँ पे फोर्स है उसमें हमने मल्टीप्लाई किया किससे यहाँ पे उसकी वेलोसिटी से जो उसका स्पीड था यहाँ पे ठीक है उससे अकार्ट विद मास ट्वेंटी के जी वेंट फिफ्टी मास इन फिफ्टी मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ प्लेन एंड स्मूथ रोड वेन अ फोर्स ऑफ टू न्यूटन वॉज अप्लाइड टू ईट हाउ मच वर्क वॉज डन बाय द फोर्स वैसा ही है क्या बोला यहाँ पे अकार्ड विद मास ट्वेंटी के जी वेंट फिफ्टी मीटर बीस किलो का है और पचास मीटर गया स्ट्रेट लाइन में ऑन अ प्लेन स्मूथ रोड वन अ फोर्स टू न्यूटन और उसमें दो न्यूटन टू न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया हाउ मच वर्क वॉज डन कितना वर्क डन हुआ तो यहाँ पे देखिए फोर्स एफ टू न्यूटन फोर्स कितना लगाया गया टू न्यूटन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हमने देखा था यहाँ पे पचास मीटर फिफ्टी मीटर वर्क डन कितना हुआ वही पूछ रहा है यहाँ पे हाउ मच वर्क डन बाय द फोर्स सो यहाँ पे देखिए वर्क डन के बाद क्या करेंगे फोर्स को और यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानि कि टू इंटू फिफ्टी जो यहाँ पे न्यूटन है टू न्यूटन उसको और यहाँ पे टू न्यूटन को और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हंड्रेड जूल वर्क कितना हुआ वर्क डन कितना हुआ हंड्रेड जूल ठीक है इतना काम हुआ तो जैसा पहले वाला था वैसा ये भी है इन द ब्लैंग्स में देखिए ये सारा आपको क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ये सब आपको पता ही है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इवन वाइल इट इज़ मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ये भी आपको पता है यहाँ पे इसका इसका देखिए इसका आंसर ये है और इसका आंसर यहाँ पे है इसका आंसर आप देख रहे हो यहाँ पे है ठीक है और इसका आंसर सर आइजक न्यूटन यहाँ पे है ओके okay. यहाँ पे देख लीजिए और भी है यहाँ पे स्पेलिंग ऐसे आएगा ओके सर आइज़क न्यूटन और यहाँ पे देखिए इन सबका आंसर इसका आंसर इधर है और इसका आंसर यहाँ पे है इसका आंसर पहले में आएगा जूल और यहाँ पे आएगा ये वाला ठीक है यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन यहाँ पे एंड ये है यहाँ पे फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर ये देखो यहाँ पे इसका आंसर ये है इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन ठीक है इसका आंसर यहाँ पे है और यहाँ पे देखो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये यहाँ पे आएगा एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये इधर आएगा और पहला वाला इधर आएगा अब इसका आंसर देखिए ये है और इसका आंसर यहाँ पे है सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आएगा कोई भी डाउट डाउटर कॉमेंट में पूछिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स साथ शेयर करना ना भूले और वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए ठीक है